घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा धनतेरस पर क्यों होता है हाथी का पूजन। आपने सुना होगा कि धनतेरस पे हाथी का पूजा भी करते हैं, लेकिन यह हाथी की पूजा क्यों करते हैं आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि धनतेरस पर हाथी की पूजा क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या कथा है या इससे क्या फल मिलता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। धनतेरस पर हाथी की पूजा करने का भी विधान है। कथा आती है, जो कथा है कि एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी के अनेक पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी की एक ही पुत्र था। एक दिन बड़ी रानी ने मिट्टी का हाथी बनाकर पूजा किया, पर छोटी रानी पूजा से वंचित हो गई। इससे वह उदास हो गई। उसके पुत्र ने अपनी माता का दुख उसके पुत्र से उसकी माता का दुख देखा नहीं गया। वह इंद्र के से ऐरावत हाथी ले आया। उसने माता से कहा कि तुम इसकी पूजा करो। रानी ने उसकी पूजा की। बाद में उसका पुत्र बहुत ही यशस्वी हुआ। तभी से इस दिन सजे धजे सोने, चांदी, तांबे, पीतल, कांसे, मिट्टी के हाथी की पूजन की परंपरा शुरू हो गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी जान गए होंगे कि धनतेरस के दिन हाथी की पूजा क्यों की जाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकर कोई जानकारी मिली हो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसे शेयर क्यों करें, ताकि आपके तरह जो और लोग भी हैं जो जानना चाहते हैं कि धनतेरस के दिन हाथी की पूजा क्यों करनी चाहिए, अगर वो भी जान सकें, इसलिए आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। और आपके मन में अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहे हों, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।